हमने योगेंद्र चटर्जी मेडिकल साइंस विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक लिख करके हमने पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस को यह बताने का प्रयत्न किया कि योग एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक जीवन जीने की कला है। योग कोई ढोंग पाखंड और कोई चमत्कारिक और कोई बाबा के कोई ऐसे कोई ढोंग पाखंड नहीं है। और आज भी जब बात की जाती है तो मुझे कष्ट होता है, कभी कभी स्वामी जी की तुलना ऐसे ढोंग पाखंडियों से की जाती है जिनके कोई देश के लिए योगदान नहीं है, जो देश को भ्रमित करते हैं, देश को लूटते हैं, देश को ठगते हैं, ऐसे लोगों के साथ बाबा की तुलना की जाती है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बाबा के नाम से तो आज किसी भी तरह से हम लोगों की संस्था के अंदर में, मैं सुबह सुन रहा था कोई भाई कह रहे थे, बोले जी आपके संस्था के अंदर जो है पारदर्शिता बहुत आपने बताया नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जितनी पारदर्शिता बरती है उसका एक प्रमाण यह है कि एक साल से पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत लगा करके सरकारी एजेंसियों को एक तरह से प्रेशराइज कर करके मैं धन्यवाद करता हूं। उन जांच एजेंसियों में भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आत्मा अभी मरी हुई नहीं है, बिकी हुई आत्मा नहीं है, परंतु बहुत सारे डरपोक भी हैं, पर इन्होंने पूरी ताकत लगाया। और मैं आज मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सीधे सीधे अधिकारियों को फोन करके कहा गया बाबा नहीं बचनी चाहिए, बाबा को लपेटो, बाबा को रगड़ो, और जो भी करना था पूरी ताकत लगा दी। और मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कि पहले आता था बाबा जी को अभी 60 करोड़ का नोटिस आने वाला है, यह 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दिया जाता था, जब तक कि वो नोटिस भी नहीं कटा होता था डिपार्टमेंट से। यह पहले से नेताओं को कैसे पता होता था? इसका रहस्य यह है कि वह प्रेशराइज करते थे कि इस चीज के लिए तुम्हारे को इतना नोटिस दिलवाना है। इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट को भ्रमित कर करके, प्रेशराइज कर करके। और मैं आपको वो सारी कभी मीडिया के लोग जानना चाहेंगे, हम एक बार इसी की चर्चा करेंगे। अब मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं, सारे सरकारी तंत्र एक तरफ बाबा के पीछे लग करके भी यदि एक साल में बाबा का कुछ ना बिगाड़ सकी तो आगे कोई बिगड़ने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि बाबा के कोई हानि नहीं है, बाबा का कोई नुकसान नहीं है। बाबा तो जीता है देश के लिए, मरेगा भी देश के लिए, पर तुम जीते हो मक्कारो, देश को लूटने के लिए तुम अपनी खैरियत की कामना मनाओ। मैं तो यही उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके बुद्धि सद्बुद्धि आ जाए, उनके बुद्धि के अंदर कोई सोच दृष्टि आ जाए। पीड़ा होती है, मैं एक बात कहता हूँ, उनको जीने के लिए, उनको लोगों को दिखाने के लिए फटे कुर्ता और फटी धोती पहन करके आधी जिंदगी काटनी पड़ती है। उस काले धन का क्या करोगे, ना जिसका तुम्हारे किसी ने प्रयोग किया, ना आगे आने वाला कोई प्रयोग करने वाला है। अरे देश की संपत्ति देश के लोगों को लौटा दो, कम से कम तुम सुकून और शांति से तो मर सकोगे। यह बाबा का अभियान नहीं है, यह अन्ना का अभियान नहीं है, यह संपूर्ण देशवासी का अभियान है। हम हर रोज लूट रहे थे, हमें हर रोज लूटा जा रहा था, पर हमें पता नहीं था कि हम लूटे जा रहे थे। बाबा और अन्ना ने तो हमें बता दिया है कि हमें लूटा जा रहा है, तुम लूटे जा रहे हो, तुम जाग जाओ, आंखें तो खोलो। शुक्र है कि देश के लोगों ने अब आंखें खोल ली है, इन खुलती हुई आंखों को अब कोई बंद नहीं करा सकेगा, क्योंकि अब बाबा रामदेव और अन्ना हजारे लाखों लाखों की करोड़ों की संख्या में इस देश में पैदा हो चुके हैं। जितना मिटाने का प्रयत्न करोगे, अभी भाई जयदीप जी दिखा रहे थे, यहाँ सारे शहीदों के परिवार के सदस्य जन बन रहे बैठे हुए हैं, बहन राजवाला के सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसके नीचे भी जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी पारिवारिक रूप से क्रांतिकारियों के विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व यहाँ बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक 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 वीर और शहीद के समान है, और ये एक एक व्यक्ति यहाँ से जा करके और कई हजार लोगों को तैयार करेगा। ये वो लोग हैं, यहाँ आने वाली कोई ऐसी भीड़ नहीं है जो यूं ही उठ करके आ गई और यहाँ इकट्ठी हो गई। यहाँ वो लोग हैं जो अपने आप में ये लोग एक एक संस्था हैं, और हम सबको मिलकर के देश को बदलना है, क्योंकि अब भारत का भाग्य उदय होने वाला है, पुनः यह भारत विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया यह भारत बने। इसके लिए हमें काम करना है। शास्त्र में कहा, सजा तो ये ना जाते ना यति वंश समुन्नतिम, अरे तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारी वंश की उन्नति होती हो, तुम्हारा पैदा होना सार्थक है। तो वंश की उन्नति, यदि देश की उन्नति में तुम्हारा योगदान नहीं है, तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ है, निरर्थक है। हम उनमें से नहीं है, हम ऐसे पूत नहीं है जो माँ को बदनाम होने देंगे। इसीलिए चाहे कितने भी विपत्तियां आए, हम देश को कुछ करके दिखाएंगे, और देश के ऋण से उऋण होने के लिए हम काम करते हैं। हम इसलिए काम नहीं करते हैं
कोई नेता अभिनेता हमारे को आकर के कोई सम्मान देगा, कोई मान देगा, कोई हमारे लिए जो है जय जयकार करेगा। हम तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि देश के लोगों की पीड़ा वो हमारे दिल में ऐसी बैठ गई है, उस पीड़ा से हम पीड़ित और व्याकुल हैं, और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए इन पंगों को हमने उठाया है, तो इसको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना वो पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। इसीलिए उससे पहले विश्राम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उठें, जागें और सब मिलकर के देश को बनाएं, और सबके लिए यही कमनीय है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बाबा का 1000 की नोटिस, करोड़ की नोटिस, अन्ना की टीम की, यह मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम सब कुछ कर लो, हम तो यहां तक के लिए तैयार हैं, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ, और स्वामी जी सहित, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के पर मेरे पर बहुत भरोसा है, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ, हम दोनों आजीवन जेल में भी रह लेंगे और सारी पतंजलि की संपत्ति लिख करके भी दे देंगे। दो ही काम कर दो, जल लोकपाल बना दो, बिल बना दो, और काला धन को जो है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में ला दो। तो ये दो काम चाहिए, इसके लिए हम लगे हैं। भाई और बहनों, अब जिसका आपको इंतजार है, श्रद्धेय वंदनीय आदरणीय अन्ना जी हमारे बीच में हैं। ऐसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा कण कण, पूरा जीवन, पूरा क्षण क्षण देश के लिए, मां भारती के लिए। और माननीय अन्ना जी, पूज्य स्वामी जी महाराज से अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य श्रद्धा रखते हैं, आज उनका आशीर्वचन, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धे बालकृष्णन जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी मेरे भाई और बहनों, आज मुझे कहने के लिए कोई बातें बाकी नहीं है, सब कह चुके हैं, लेकिन बार बार ये कहा गया कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ये सन्यासी है, उन्होंने शादी नहीं किया। अरे हम लोग शादी नहीं किया, लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा करने के बजाय बड़ा हो गया, बड़ा परिवार हो गया। परिवार छोटा कहाँ है? अरे छोटे परिवार में क्या करना था? दो बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब हमारे हैं, ऐसे हम मानते हैं। तो सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छोटा नहीं। मेरी विनती है यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए, नव युवकों के लिए, हमारी नकल आप मत करो। हम शादी नहीं किया, इसका मतलब हमारा संदेश आपको नहीं है कि आप भी शादी मत करो, शादी करो, परिवार चलाओ, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उनको कार्यकर्ता बनाने के लिए कोशिश करो, एक छत्रपति शिवाजी फिर से निर्माण होना। ये ऐसा व्रत लेना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मचारी रहकर इस पालन का व्रत करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, तलवार के धार पर चलने से कठिन है। अरे हजार साल की तपस्या करने वाला विश्वामित्र धोखा दिया ना मन ने, पाराशर ऋषि को धोखा दिया ना मन ने। ये मन इतना चंचल है, इतना तेज है और इतना धोखेबाज है, कब धोखा देगा पता नहीं। इसलिए हम लोगों का कहना है, हमारी नकल आप मत करो। क्या भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना ही दाग। इसके कारण
जीवन में कोई दाग ना होने के कारण ये गुंडों से लड़ रहे हैं, गुंडों से लड़ रहा हूं। क्या है हमारे पास? मंदिर में रहता हूं, गांव में घर है, 35 साल हो गया घर में गए नहीं। 3 भाई है, भाई के बच्चों को नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट कुछ नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया ना, करप्टेड गए ना घर। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, चारित्र। चारित्र कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपने चारित्र को संभालना है। जितना हमारा आचार विचार शुद्ध होगा, जितना जीवन निष्कलंक होगा, जितना जीवन में त्याग होगा, जितना इंडिविजुअल अपमान पीने की शक्ति होगी, उतनी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। कार्यकर्ता में एक गुण होना, त्याग ये करना ही पड़ता है। ये हमारी भूमि है ना, भारत की भूमि, ये हजारों साल से हमें कहते आ गई, त्याग ये करना ही पड़ता। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने अगर बलिदान नहीं किया होता तो क्या हमें आजादी मिलनी थी? त्याग, त्याग ये ना किसी को करना ही पड़ता है। अरे खेती में हम देखते हैं ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा भुट्टा नजर आता है खेती में, लेकिन कब आता है? पहले एक दाना त्याग करता है, अपने आप को जमीन में मिटा लेता है। एक दाना, जब एक दाना अपने आप को मिटा लेता है तब दाना से भरा भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? आज इस देश के लिए, इस समाज के लिए वो एक दाने की जरूरत है, जमीन में नहीं जाने वाला दाना, एक दाने की जरूरत है तब ये देश फिर से खड़ा होगा। बहुत से दाने ऐसे सोचते हैं, क्यों जमीन में जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने नष्ट हो जाते हैं। कि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। आटा कौन से दाने को बनता है? जो जमीन में नहीं गया आटा बन गया। हमारे परिवार में देखिए ना, सैकड़ों साल हो गए हमारा परिवार चला आ रहा है, बताइए 300 साल पहले हमारे घर में कौन थे बताइए? पता नहीं, क्यों? चक्की में गए, आटा बन गए, खत्म। सावित्री बाई की जयंती क्यों मनाते हैं? महात्मा फुले की जयंती क्यों मनाते हैं? एक एक दाना बन गए, खत्म नहीं हुए, भुट्टे लेकर खड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हम लोग जो कार्य करते हैं, अभी हम लोग परिवर्तन, परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, इस देश में परिवर्तन लाना है, और ये असंभव नहीं है। छोटा परिवार करने के बजाय बड़ा परिवार करो, जैसे हम लोग अभी बड़ा परिवार किया, इतना आनंद है। अरे कुछ नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं जीवन में, लेकिन लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो हम अनुभव कर रहे हैं, कितना आनंद है वो। ये अभी सामने वालों का आपको कैसे पता चलेगा हम कितना आनंद है, ये आपको कैसे पता चलेगा? शुगर खाने वाला आदमी है।